यार अभी थोड़ा सा फॉग कम हो गया है, तो अब मैंने कैमरा ऑन किया है, बट टिल नाउ इट वॉज टू फॉगी, तो कुछ भी रिकॉर्ड नहीं हो पाया है। आई एम सॉरी फॉर दैट, बट हो सकता है कि आगे अब मौसम अच्छा हो जाए। सो पालमपुर इज 86 एंड मंडी इज 182। हमें पालमपुर वाली साइड ही जाना है। तो यार स्टोरी में आपको थोड़ी देर बाद बताता हूँ कि क्या हुआ, मैं अचानक से हिमाचल में कैसे लैंड कर गया। अरे पागल, I'll tell you the actual story what happened। तो कहीं पे रुकते हैं धूप में, थोड़ा सा बहुत ठंड लग रही है। देवभूमि हिमाचल में आपका स्वागत है। वेरी गुड, वाओ। चाय मिल जाएगी क्या? यहाँ लगा दूँ? हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू आवर न्यू ब्लॉग। आई एम डूइंग दिस सोलो बिकॉज जीतू अपने घर पर ही है, एज इन जीतू इज इन रांची। सो वॉज गेटिंग बोर्ड एट होम, सो थॉट ऑफ गोइंग समवेयर। सो यहाँ से जम्मू से हिमाचल का जो एरिया है कांगड़ा बीर बिलिंग इज राउंड अबाउट 250-300 किलोमीटर। सो आई थॉट ऑफ कवरिंग दैट, और वहाँ पे पैराग्लाइडिंग भी अच्छा है और साइट सीइंग भी अच्छा है। सो थॉट ऑफ गोइंग टू बीर बिलिंग। आई स्टार्टेड फ्रॉम जम्मू एट राउंड अबाउट 7 o'clock, तो रिकॉर्डिंग ज़्यादा कर नहीं पाया क्योंकि बहुत ज़्यादा फॉग थी। नाउ आई हैव एंटर्ड हिमाचल। अभी मैं नूरपुर क्रॉस करके, थोड़ा सा नूरपुर के आगे एक छोटा सा रेस्टोरेंट है, वहाँ पे ब्रेकफास्ट करने के लिए रुका था। सो आई थॉट ऑफ स्टार्टिंग द रिकॉर्डिंग फ्रॉम हेयर बिकॉज अभी थोड़ी सी धूप आ गई है, मौसम थोड़ा सा अच्छा हो गया है, और यहाँ पे मैंने ब्रेकफास्ट कर लिया है एंड आई एम रेडी टू हिट द रोड। सो सी यू देयर। जम्मू से जब निकला तो रिकॉर्डिंग नहीं कर पाया बिकॉज बहुत ज़्यादा फॉग थी। मैं शूट तो कर रहा था बट इतनी ठंड थी दैट आई वॉज नॉट इन सेंसेस टू बी ऑनेस्ट। सो कैमरे का जो कवर रहता है, कवर लगा ही रह गया एंड आई वॉज स्टिल शूटिंग। सो अगर कुछ शूट भी हुआ तो इट्स ऑल डार्क एंड एनीवेज इट वॉज टू फॉगी, सो कुछ ज़्यादा रिकॉर्ड हो नहीं पाया। सो रास्ता बहुत प्यारा है यार, अभी जाके थोड़ी जान में जान आई है, आई फील लाइक राइडिंग नाउ। लेकिन सुबह तो बहुत बुरी हालत थी यार, इट वॉज रियली कोल्ड, बहुत ज़्यादा ठंड थी। Warning, this machine has no brain, keep distance. Fuck, that's scary. Oops.
हेलो हेलो, गुड इवनिंग फ्रेंड्स। तो फाइनली मैं बीड़ पहुंच गया। सो आई एम स्टेइंग एट नमलांग विलेज। बहुत ही प्यारा है यार, बहुत ही प्यारी प्यारी कॉटेजेस है यहाँ पे। तो अगर देखो तो मेरे चारों और जितना भी एरिया दिख रहा है आपको, ये सब इन्हीं का ही है। बाइक मैंने यहीं पे पार्क कर दिया और वहाँ मेरे राइट में बहुत प्यारा सा सनसेट हो रहा था। काफ़ी प्यारी सी जगह है। तो दे हैव फ्यू कॉटेजेस एज वेल। अगर आपको कॉटेज लेना है तो आप कॉटेज लेके भी रह सकते हैं, या अगर आपको सेपरेट रूम लेना है तो आप रूम लेके भी रह सकते हैं। सो मैं अभी हूँ बीर लैंडिंग साइट पे और आज रात को यहीं पे रुकने का प्लान है। तो रात को यहीं पे रुकेंगे, डिनर भी यहीं पे करेंगे। बहुत अच्छा होटल है अंदर, बहुत अच्छा कैफ़े भी है इनका। सो मोस्ट प्रोबेबली आई विल हैव डिनर एट द सेम प्लेस। तो कल सुबह हम जाएंगे पैराग्लाइडिंग करने के लिए। तो डेफिनेटली अभी रात बाकी है, ब्लॉग अभी एंड नहीं हो रहा है, अभी तो शुरू हुआ है, अभी तो पार्टी शुरू हुई है। आज के दिन का ब्लॉग। सो बहुत मस्ती की, बहुत पार्टी की, बहुत इन्जॉय किया और कल सुबह जाएंगे हम पैराग्लाइडिंग करने के लिए। एंड सी यू टुमारो, आई एम टू टायर्ड, चाओ। सो जैसे ही आप लैंडिंग साइट की ओर आते हैं, सो लैंडिंग साइट पे एंटर करते ही अराउंड अबाउट 100 मीटर पे है ये नमलांग विलेज एंड रेस्टोरेंट। रियली ब्यूटिफुल प्लेस, कोजी प्लेस, एंड आई एम श्योर समर्स में इट्स गोइंग टू बी फन। सो दिस इज़ द वे टू द लैंडिंग प्लेस, सो लैंडिंग साइट, सो वहीं जा रहे हैं हम। चलो भाई, भाई पायलट है ना? हाँ भाई, फाइनली यार भाई आ गया। सो इसी के हाथ में अब जपना सारा कुछ। आपका नाम भाई? सुधीर। कहाँ से भाई? मैं जम्मू से हूँ यार। तो यार ये बिलिंग टेक ऑफ साइट। We are going towards takeoff site. तो wind की direction के हिसाब से takeoff होता है। So wind अभी इस तरफ की है, so takeoff ऐसे होगा। हमेशा opposite direction में takeoff होता है। So मेरा pilot already आगे चला गया है। So I'm going to see him and then we'll start the day. सो ये जो ग्रीन मैट दिख रहा है ये भी टेक ऑफ साइट है, डिपेंडिंग अपॉन द विंड। बाकी जब मैं आपको रन करने के लिए बोलूंगा तो आपको रन करना है, ठीक है? ओके। जंप करने की कोशिश नहीं करनी है, बैठने की कोशिश नहीं करनी है, ठीक है सर? ओके। सर यहाँ पे ये स्टूडेंट्स हैं, ये अभी सीख रहे हैं शायद से। सो भाई क्या करे, चल पड़े।
ठीक है? ओके, यहाँ से आपको रन करना है, बैठने की कोशिश नहीं करनी, ठीक है? स्लोप काफी छोटा नहीं है ये? कुछ नहीं है। ओके ओके, यहाँ से ऐसे रखना है, बिल्कुल रिलैक्स रखना, ठीक है? हाँ हाँ। ठीक है, ओके, आपको रन करने के लिए बोलूंगा तो सिर्फ रन करना है। ओके ओके, thank you.